भैया मिल रहे हैं, IRCTC से काम कर रहे हैं आप? रेलवे की तरफ से ये लगे हुए हैं भैया, ये नज़ारा तो कैप्चर करना बनता है। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं और घरों में मौज ले रहे हैं। तो अभी मैं हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, एंड तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12179 लखनऊ टू आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफास्ट। एंड मैं इस जर्नी में काफ़ी, इस ट्रेन में मैं काफ़ी बार जर्नी कर चुका हूँ, काफ़ी बार 2S में की, मतलब रिजर्वेशन वाले में की, जनरल वाले में भी की। तो आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ AC चेयर कार पर। तो मैंने सोचा कि आपको हर जर्नी दिखा चुका हूँ, हर सीट क्लासेस दिखा चुका हूँ, तो AC चेयर कार की जर्नी क्यों नहीं आनी चाहिए। तो मैं भी, मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ क्योंकि अभी भीड़ है, तो मैं बैक कैमरे से मैं अभी नहीं बना सकता, अभी भीड़ है इसलिए मैं अभी बैक कैमरे से नहीं बना सकता। एंड चलिए सामान वामान पहले रखते हैं, उसके बाद आपसे होगी आगे की बातचीत। ये इस ट्रेन का जनरल क्लास है, तो इस ट्रेन का यह जनरल क्लास है। धीरे धीरे देखिए, ये भी पैक होता जा रहा है, ये भी पैक होता जा रहा है, जनरल क्लास ही है। पर ये आगे रिजर्वेशन क्लास, ये शुरुआत होती है D1 से। अब ये कोचेस अभी काफ़ी खाली हैं, मैं इन कोचों में काफ़ी बार जर्नी कर चुका हूँ। ठीक है, शहर से D1 चालू हुआ है, तो आई होप कि हम लोग का जो AC का जो C1 कोच है वो आगे की तरफ होगा। बगल में खड़ी है गोरखपुर एक्सप्रेस, ये भी इसका AC चेयर कार है, गोरखपुर लखनऊ, ये अपनी खड़ी है लखनऊ टू आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफास्ट। सामान रखते हैं, उसके बाद आपसे करेंगे आगे की बातचीत। मेरा अपना कोच C1, तो अभी ये पीछे साइड से तो बंद है, देखेंगे इस साइड से ऑन है या नहीं। हाँ जी, तो ऑन है, तो अपना कोच होने वाला है सीट नंबर 37 एंड कोच C1 AC चेयर कार। चलते अंदर 37, भैया इसे बंद कर दो, बाहर तक सब जा रही। सीट है 37 सीट नंबर ये। एंड इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार ये खुला जा रहा है, जो AC का जो एयर है वो बाहर निकली जा रही है। देखना भी अपने आप खुलेगा, कोई आएगा खुल जाएगा, फिर ये बंद ही नहीं होता है। एंड AC चेयर कार का तो आपको पता ही है 3x2 का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, तो मेरी सीट है 37 ये वाली। ओके, एंड अभी आपको सब दिखाएंगे कैसे क्या है। ये बगल में कोई ट्रेन खड़ी हुई है, कौन सी है भाई, नाम तो दिख नहीं रहा है। चलिए आपको इंजन की साइड लेके चलते हैं। बर्फ़ की सीढ़ी देखिए भैया, इसे खोलने के बाद बंद कर देना, अपने आप से खुला जा रहा है। ये C2 AC 3rd भी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बंद करना। यही चीज़ बार बार देखने को मिल रही है, गेट इंसान खोल जाता है उसके बाद बंद ही नहीं करता है, तो जितनी AC की जो एयर है सब बाहर निकली जा रही। तो ये AC 3rd का आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, ये रहा AC 3rd। तो ये था AC 3rd का इंटीरियर। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ, इस ट्रेन के अंदर 2 AC चेयर कार एंड 1 AC 3rd है। एंड जो कॉस्ट की मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं लखनऊ से इटावा जर्नी कर रहा हूँ, तो AC चेयर कार का जो कॉस्ट आपको पड़ने वाला है वो पड़ेगा आपको 405 रुपये का लखनऊ से इटावा जंक्शन तक का। एंड यही आप आगरा तक के जाते हैं तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगा 615 के समथिंग, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। एंड जो AC 3rd का जो इंटीरियर है मैंने आपको दिखा दिया है, ये रहा AC 3rd। एंड AC 3rd का जो प्राइस है 515 रुपये है लखनऊ टू इटावा जंक्शन तक का, 515 रुपये AC 3rd का है। एंड AC चेयर कार का जो है लखनऊ से लेकर इटावा जंक्शन तक का वो है 405 रुपये। तो मैं आपको, चलिए टाइम कम बचा है, मैं आपको बताऊं, 12 बजे मैंने बहराइच से बस बोर्ड की थी, मुझे लगा था कि टाइम से आ जाऊंगा 2 बजे तक, पर थोड़ा जाम लगा हुआ था तो टाइम से नहीं आ पाया मैं। अभी आया हूँ 3:20 पे, और ट्रेन का चलने का डिपार्चर का टाइम है लखनऊ जंक्शन से 3:55 का। एंड इसका
इटावा जंक्शन पहुंचने का टाइम है 7:25 का, और यही जो ये ट्रेन है वो आगरा फोर्ट पहुंचती है रात को 9:50 पर। आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा लोको लगा है, फिर अपने सीट पर चलेंगे। यार मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, खाना तक नहीं खाया, ये सोची पानी बोतल ले लेके पानी पी पी के काम चला रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो शूट भी करना था, इसी पर्पज़ से मैं इतनी दूर आया हूँ। काफ़ी बार मैं इसमें जर्नी कर चुका हूँ, मैंने सोचा कि एसी थर्ड में, एसी मतलब एसी चेयर कार में मैं कर रहा हूँ तो आपको क्यों ना दिखाया जाए। जनरल क्लास, जनरल देखिए पूरा पैक हो चुका है, अंदर से पूरा पैक है। आपको ये भी बता देता हूँ, मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियो ये वाली रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसमें जर्नी कर चुका हूँ, तो जो अमेजिंग नज़ारे होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, गंगा मैया के दर्शन कराऊंगा, और कानपुर सेंट्रल से सीधे मुलाकात आपसे होगी थोड़े बर्तना में, थोड़े बहुत स्टेशन में कवर करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं भाई देखो कवर कर चुका हूं। तो चलिए लोकोमोटिव को देखने की बारी आ चुकी है। तो भैया इसमें लगा है WAP-7 का लोकोमोटिव, WAP-7 लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है, WAP-7। थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लिया है, तरीके से देख लिए। WAP-7 हमारे इस लखनऊ टू आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपर फास्ट में ये WAP-7 का लोकोमोटिव लगा है। ट्रेन डिपार्चर में सिर्फ और सिर्फ अभी 20 बाकी हैं, एंड चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर। काफ़ी गर्मी है भाई, और जो नज़ारे होंगे मैं खूबसूरत वो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी मैं जर्नी में जो भी जितनी भी चीज़ें मैं आपको सब बता चुका हूँ। फील करिए आवाज़ को, ये सामने खड़ी है लखनऊ टू गोरखपुर एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं अपनी सीट पर, कि तेज भूख लग रही है क्योंकि टाइम कम बचा था, तो मैंने सोचा कि आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ एंड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एंड जो कॉस्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड अब ना बारी आपको है दिखाने की सिर्फ उसे बढ़िया बढ़िया नज़ारे की, एंड कुछ स्टेशनों को हम कवर करेंगे। एसी चेयर कार में मैं ये देख रहा हूँ इसकी जो डोर हैं, आदमी खोल देता है बट उसे लॉक बंद नहीं करता, आगे तरफ स्वाइप नहीं करता, जो अंदर की जो एयर है वो एकदम बाहर निकलती जा रही है एसी की जो है, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर खुला होगा तो। देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, आदमी अंदर चला जाता है बट उसे बंद नहीं करता है। गेट में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा एसी के गेटों में ये होता है, आप जैसे कि खींचेंगे स्वैप करेंगे, जैसे आप पीछे की तरफ ये आगे की तरफ अपने आप पुश हो जाएगा, एंड इसमें नहीं है तो ख़राब है, तो कम से कम देखो तो जो अंदर की जो एसी की जो एयर है वो सब पूरी बाहर निकल जा रही है। अभी हूँ एसी चेयर कार के 12179 लखनऊ टू आगरा फोर्ट इंटरसिटी के एसी चेयर कार पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार का वॉशरूम है, पानी आ रहा है काफ़ी गंदा है, आप ये टूटा हुआ डला हुआ है मिनर आप देख सकते हैं। तो रेटिंग 10 में से सिर्फ उसे 3। अपने ऑन टाइम से हमारी ट्रेन का डिपार्चर लखनऊ से, ये ऊपर सामने मेट्रो, ऑन टाइम से अपनी ट्रेन का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। इटावा के निकले, मैं शूट कर रहा था, भैया ने पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने बताया कि ऐसे से इटावा से, तो भैया भी इटावा से, कहाँ से हो इटावा से, इटावा ही से हैं भैया। चलिए बढ़िया है, चलिए बढ़िया है, सल्यूट है भैया आपको।
चलता हूँ गंगा जी के दर्शन, देखते हैं पानी कितना भरा है कितना नहीं। एंड यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में बारिश हुई है, देखिए देखिए बारिश हुई है अभी हाल ही में। तो कीजिए गंगा मैया जी के दर्शन, कानपुर सेंट्रल ओनली 4 किलोमीटर। थोड़ा सेफ्टी से रखेंगे अपने फोन को। ओ भाई साहब गंगा जी में पानी देखिए, देख रहे हो यार गाइस पानी कितना। इस तरफ से और दिखाता हूँ आपको, इस तरफ से और देखिए। कितना भरपूर पानी, हवा कितनी तेज है। आपने करे दर्शन गंगा मैया जी के, एंड 2 किलोमीटर कानपुर सेंट्रल। फुल डिस्टेंस 71 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। तो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आई है ट्रेन हमारी कानपुर सेंट्रल, एंड इस ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड है, तो हम लोग बात कर सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ से भीड़ चढ़ना स्टार्ट, चाहे वो AC हो चाहे नॉन AC हो, यहाँ से पूरी गाड़ी पैक जाने वाली है। एंड देखिए कानपुर में अभी पानी भी गिरा है, कानपुर में अभी पानी भी गिरा है। इसके बाद इसका जो हॉल्ट है वो होने वाला है पनकी, फिर झिंझक, रूरा, बूंद, भरतना, इटावा। एंड अब मैं वीडियो में केवल शॉर्ट ही जो नज़ारे होंगे मैं कल उन्हीं को ही कैप्चर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि कानपुर तक ही केवल मैं कवर करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। एंड अभी देखते हैं अगर वंदे भारत एक्सप्रेस का ओवरटेक कहीं मिला तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना फिर इटावा में सीधे होगी आपसे मुलाकात। देखिए गाड़ी पूरी, अब धीरे धीरे गाड़ी देखिए पूरी पैक हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। चलिए अंदर, देखिए AC का पूरा, देखिए पूरा पैक हो इस बार, अब तो पूरा पैक हो गया है। लखनऊ से कानपुर तक देखिए पूरी खाली आई थी, अब देखिए AC का पूरी पैक हो गई ये ट्रेन। कुल डिस्टेंस 211 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इटावा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ETW। एंड इस ट्रेन ने 33 मिनट की देरी से हम लोग को इटावा जंक्शन पर उतारा है। एंड देखिए इटावा स्टेशन कितना बदल गया है, लाइटें आइटें खूब इस यहाँ पर लग गई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ इटावा हमारा ग्रो करा है। एंड ये यहाँ पे देखिए आधे ज़्यादा जो है
भीड़ खाली हो रही है, अपना कोसता ये वाला C1। एंड इस जर्नी में बस इतना ही, और एक गाना का एल्बम बनाया है वो आपको आई बटन पर यहाँ पर दिख जाएगा, उस गाने को ज़रूर देखिए। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक नए ब्लॉग के साथ होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय।